नमस्कार, आज हम ले आए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 4। पिछला जो लेक्चर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमने डिफ्यूजन को विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सप्लेन किया। छोटी छोटी मैंने डेमोन्स्ट्रेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, ताकि आप लोगों को डिफ्यूजन का कंप्लीट मीनिंग समझ आ जाए। हमने टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन भी की, वहाँ पे भी हम चेंजेस ऑफ स्टेट्स इन मैटर की ही बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हम स्टेट्स को ही चेंज करने की ही बात करेंगे मैटर के केस में। हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो चेंजेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप मटेरियल की आइडेंटिटी को परेशान ना करें, उसको उसके साथ आप कोई छेड़खानी ना करें, तो उसे बोला जाता है फिजिकल चेंज। लेकिन जब आप मटेरियल की आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं, उसे बोला जाता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की एग्जांपल अगर हम लें कि आपके पास एक पीस ऑफ वुड है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, आपने उसको काट दिया, कट करके आपने उसके चाहे 1000 पीस बना लिए, लेकिन वो रहेगी तो वुड, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। लेकिन उसी पीस ऑफ वुड को अगर आप जला दें, इट विल कन्वर्टेड इनटू एशेस, वो हो जाएगा केमिकल चेंज। पिछले ही लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करके आ चुके हैं कि आपके सिलेबस के अंदर फिजिकल चेंजेस की डिस्कशन है, सो हम इसी के ऊपर ही अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी के अंदर ही हम लोगों ने डिफ्यूजन ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस हो, चाहे फैसिलिटेटेड हो। देखिए, जो सारी की सारी ये कहानी है फिजिकल चेंजेस की, मतलब हम लोग आज जो डिस्कस करने लगे हैं ये फिजिकल चेंजेस की दुनिया में अंदर के अंदर हम और ज़्यादा अपने पैर को आगे बढ़ाने लगे हैं, इसके अंदर मेन जो एस्पेक्ट है कि मैटर की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उसके अंदर जो सेकेंड पॉइंट था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एग्जिस्ट करता है, दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। चलिए, हम इसी स्पेस के साथ अब खेलने की कोशिश करेंगे। डिफ्यूजन के अंदर हमने पार्टिकल्स के उन स्पेसेस को दूसरे किसी और मटेरियल के पार्टिकल्स के साथ फिल करने की कोशिश की, जैसे हमने सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड, सॉलिड में गैस, इन सारे एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। तो हमने एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स की के साथ उसको फिल करने की कोशिश की। वहाँ पे हम स्पेस फिलिंग की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कि जो पार्टिकल्स के बीच की वो स्पेस है, उस स्पेस की ऑल्टरेशन पे, कि अगर हम अपनी मर्जी से उसको इंक्रीज डिक्रीज कर पाएं, देन व्हाट विल हैपन, क्या सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा। अब ये जो स्पेस चेंज करने की सारी कहानी है, ये जो गेम प्लान है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो पैरामीटर्स हैं विच विल डिसाइड द चेंजेस, फिजिकल चेंजेस इन एनी स्टेट ऑफ एनी मैटर। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर, इन दो टर्म्स को चेंज करके आप लोग किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि स्टेट चेंज करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर है, दैट इज व्हाई दीज आर टर्म्ड एज स्टेज वेरिएबल्स। पहले हम अपनी सारी कहानी को ओरिएंटेड रखेंगे टेम्परेचर की तरफ, उसके बाद हम प्रेशर की बात करेंगे। तो देखिए, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, इसके लिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना के रखी हुई है, फेस ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ये लव ट्रायंगल नहीं है, अगर आप लोगों के दिमाग घूमने लग जाएं जैसे ही मैं ट्रायंगल वर्ड बोलूं, फैंटेसी की दुनिया में आप जाना शुरू हो जाएं कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये हीरोइन है, एक लव ट्रायंगल आप बनाना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक लव ट्रायंगल की बात आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर कर सकते हैं, जो थ्री फेजेस की हम बात करते आए हैं पिछले लेक्चर से, जो मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं, तो इनके लव ट्रायंगल को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये सॉलिड को मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है इस लव ट्रायंगल के टॉप पे आई एम राइटिंग लिक्विड, और इस ट्रायंगल के यहाँ पे हमने किसको लिखा है? गैस को। तो देखिए, जैसे ही सॉलिड को आप लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। अगर आप इसको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को ये पता है कि सॉलिड से लिक्विड में जाने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं मटेरियल के अंदर, लिक्विड की क्या कैपेबिलिटी होती है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, और मैं पहले ही आपको कह के आ चुकी हूँ कि हम लोग स्पेस के साथ मैनिपुलेशन करने वाले हैं, उस स्पेस को इंक्रीज डिक्रीज हम करेंगे टेम्परेचर की हेल्प से। जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, आपने सब्सटेंस को हीट देनी शुरू कर दी है, हीट जाके क्या करेगी? मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब वो जो हीट है वो दो तरीके से
अंदर जाके एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। आप लोग ये कह सकते हैं कि जो भी हीट आप किसी भी सब्सटेंस को देने वाले हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है उसके अंदर कोई सब्सटेंस है, वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड, आप सॉलिड ही मान लीजिए, सपोज ये आइस क्यूब्स हैं, आइस के टुकड़े पड़े हुए हैं, आप लोगों ने इसको हीट करना शुरू कर दिया। यहाँ से जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, आप लोगों ने इसको हीट प्रोवाइड करी, ये हीट अंदर जाके क्या क्या कर सकती है, ये हीट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है अंदर जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको, या उनको एक दूसरे से दूर करने की कैपेबिलिटी रखती है। इट विल क्रिएट मोर स्पेस अमंग द पार्टिकल्स। इन दोनों कामों में से इसको काम जो है वो अंदर जाके करने हैं। तो जैसे ही आप इस आइस को ये हीट देने लगे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को फ्यूजन। जैसे कि आपने आइस ली, आपने उसको हीट किया और वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई, और जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट, उस पॉइंट को जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या फिर उसका फ्यूजन पॉइंट उसको भी हम बोल सकते हैं। जो आइस है इसके केस में ये जो पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फारेनहाइट। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आपने उसको हीट किया, जैसे ही सारी की सारी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुई है, अगर आप थर्मोमीटर के साथ टेम्परेचर मेजरमेंट करें तो आइस का जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस, क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखिए आइस से वाटर कन्वर्ट हो गया, एक फेज चेंज हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में अगर गया है मैटर, अपनी स्टेट उसने चेंज किया, हम उसे बोलेंगे कि फेज चेंज हुआ। फेज चेंज हुआ उसी टेम्परेचर पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेज, फेज चेंज अकर्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, हमने हीट दी, हम लोगों को ये पता है कि टेम्परेचर देने से, हीट देने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो होना क्या चाहिए था कि आइस से वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं ज़्यादा हुआ। तो हम लोगों ने हीट दी, हमने एनर्जी दी, वो गई कहाँ, कहाँ गायब हो गई। अब आधों के दिमाग में गाना हो सकता है, कहाँ गया, कहाँ गई हीट, कहाँ गया चैन। तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि वो हीट जो है वो कहाँ चली गई है। देखिए ये जो हीट है, हम लोगों ने क्या किया कि ये जो आइस के मॉलिक्यूल्स थे, आइस के अंदर पार्टिकल्स थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे ही हमने हीट दी, इस हीट ने उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करना शुरू कर दिया, मतलब जो उनके बीच बॉन्ड्स बने हुए थे उन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। तो जो एनर्जी, जो हीट हमने दी, वो हीट या वो एनर्जी कहाँ चली गई, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, वहीं पे वो यूटिलाइज हो गई। अब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चलने के लिए तो मिली नहीं, बेचारे अपंग है, वहीं पे बैठे रहेंगे, नहीं चलेंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो वो एनर्जी ने क्या किया, उसने सिर्फ बॉन्ड ब्रेकेज का काम किया, दैट इज़ वाई टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। आप लोग इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि टेम्परेचर तभी राइज होगा जब मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, जब मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी ही नहीं गेन करी तो टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा। दैट इज़ वाई इसी हीट को क्या कहा जाता है। हम लोगों को ये लगता है कि भैया ये कंटेनर था, कंटेनर के अंदर हमने आइस के क्यूब्स रखे हुए थे, हमने हीट दी, वाटर में कन्वर्ट हो गया, पहले भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हमने तो हीट दी, वो कहाँ छुपा ली इसने, कहीं कंटेनर तो नहीं खा गया उस एनर्जी को, उस हीट को। लगता तो हमें ऐसा ही है कि वो कंटेनर के अंदर कहीं छिप गई है जाके। उस छिपी हुई हीट को नेम दिया जाता है लेटेंट हीट, इट इज टर्म्ड एज लेटेंट हीट। कौन सी लेटेंट हीट, फ्यूजन की, क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे सॉलिड को, सॉलिड को हीट करने से जो हीट होगी वो सॉलिड के पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करेगी, उनके बॉन्ड्स को तोड़ेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप आइस वाटर में लेके जा रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री वाटर में चली जाएगी, और जो हीट थी उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट, बिकॉज ये जो लेटेंट वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट। कहाँ जाके छुप गई है वो पता नहीं, कंटेनर में पता नहीं, या इसमें कहाँ चली गई है, उसने बस उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया और उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग, यानी कि आप सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितनी हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। जो ये लेटेंट हीट की मैं बात कर रही हूँ कि हिडन हीट है जितनी हमने दी, इसको अगर आपने डिफाइन करना हो तो ये लेटेंट हीट क्या होती है, इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन है या मेल्टिंग है तो ये किसके केस में होगी, सॉलिड के केस में। यू विल से इट इज द अमाउंट ऑफ हीट
required, हम लोगों को चाहिए ये हीट उसको कन्वर्ट करने के लिए, required by 1 kilogram solid, मतलब यूनिट मास ऑफ सॉलिड आप कह सकते हैं यहाँ पे, इट विल बी बेटर अगर आप लिखें यूनिट मास, यूनिट मीन्स वन, यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स कौन सा पॉइंट, वही फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने प्रेशर के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की है, सिर्फ रोल किसका है, टेम्परेचर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये वो हीट है जो यूनिट अमाउंट ऑफ, क्योंकि देखिए अगर मैं कहूँ कि भैया मेरे पास तो इतना बड़ा ब्लॉक है आइस का और मुझे उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा, सपोज 10 जूल एनर्जी देती हूँ तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट होता है, अब कोई बेचारा इतना छोटा सा लेके बैठा हुआ है उसको तो 2 जूल में ही उसका जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो हीट ऑफ फ्यूजन है दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर, मैं कहूँगी मुझे तो आइस की ही कैपेबिलिटी चाहिए कि आइस को वाटर में लेके जाने के लिए मुझे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूनिट मास मतलब वन वैल्यू जो है वो वन वैल्यू, चाहे मैंने इतना बड़ा क्यूब उठाया हुआ आइस का, चाहे इतना बड़ा है चाहे इतना छोटा सा है, सबके अंदर वो वैल्यू क्या होगी, सेम। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन वाले पैरामीटर्स हैं जिसमें हम डायमेंशन या क्वांटिटी ऑफ मैटर के इंडिपेंडेंट कर देते हैं क्वांटिटी को, उनको बोला जाता है स्पेसिफिक टर्म्स, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन होती है कि आपने पूरे के पूरे सब्सटेंस को पूरे का पूरा उसका फेज चेंज करने में कितनी एनर्जी अपनी झोंक दी है, कितनी आपने हीट दे दी है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन लेटेंट हीट क्या होगी, उसी जो सब्सटेंस की आप बात करें उसी के यूनिट मास को कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कहानी थी ये थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। एग्जैक्टली सेम क्या है कि अगर आप इस लिक्विड को, अब आपने आइस से लिक्विड ले लिया है, हाँ 0 degree Celsius में आपके पास जो भी आइस थी, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 10 आइस क्यूब्स प्रेजेंट हैं, मैंने इनको हीट दी, ये सारे के सारे वाटर में कन्वर्ट हो गए, इनिशियली इसका टेम्परेचर 0 degree Celsius, इसका टेम्परेचर 0 degree Celsius, जो अभी हमने लिखा कि 0 degree Celsius पे ही ये कन्वर्जन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हीट दे ही जा रहे हैं, आप हीट है मानेंगे नहीं तो वाटर बेचारा क्या करेगा, अब तो उसको अपनी मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि बॉन्ड्स तो भैया आपने ब्रेक कर दिए, तो क्या होगा कि इसके बाद वाटर का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। अब वाटर का टेम्परेचर राइज होते 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 आप फिर से हीट दे ही जा रहे हैं, उसको बढ़ा ही जा रहे हैं तो आप लव ट्रायंगल के इस फेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये है कि लिक्विड को एनर्जी देते 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 आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स फिर से दूर होने, लिक्विड के भी पार्टिकल्स को आप दूर करना शुरू कर रहे हैं, उस वक्त वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में आ जाएगा, गैसियस फेज में, यानी कि लिक्विड से गैस में जाने के लिए आपको फिर से एनर्जी देनी पड़ी और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग प्रोसेस या फिर वेपोराइजेशन प्रोसेस। और जिस टेम्परेचर पे पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट जो आप लोगों को पता है नॉर्मली वाटर के केस में ये क्या होता है, 100 degree Celsius, यहाँ पे हमने कहा था कि 0 degree Celsius वाज अ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट जिसको बोला जाता है वो होता है 100 degree Celsius, कि वही पूरा का पूरा वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा स्टीम के अंदर। और वहाँ पे भी नेचुरली वही बात है, आप लोग कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ बॉइलिंग जो है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ बॉइलिंग, अगेन इट विल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं आपको कहूँगी डिफाइन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू गैस, कि आपके पास जितनी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड है उसको पूरी की पूरी को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन मैं कहूँ कि मैं तो भैया 6 लीटर पानी लेके बैठी हुई हूँ, कोई कहे मैं 100 लीटर लेके पानी लेके बैठा हूँ, कोई कहे मैं 50 लीटर लेके बैठा हूँ, तो सबको अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उन सब है सबके पास बकेट्स के अंदर या कंटेनर्स के अंदर वाटर, पानी, तो पानी को कितनी चाहिए ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबका यूनिट ले लूँगा, सबका सेम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन की बिल्कुल ऐसे होती है लेटेंट हीट, यहाँ पे हीट लिखना मैं भूल गई थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन पिछले वाले की तरह ये कैसे डिफाइन होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय, किसको चाहिए ये हीट, लिक्विड को, मुझे या आपको नहीं, लिक्विड को, रिक्वायर्ड बाय लिक्विड, कौन सा लिक्विड, यूनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड, अगेन वही पिछले वाले की तरह यूनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड टू
कंप्लीटली कन्वर्टिंग टू गैसेस फेज. अगेन किस पे? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. पिछले वाले में हमने किसकी बात की थी? फ्रीजिंग पॉइंट की. यहाँ पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगेन वही एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब हमने प्रेशर के साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं की है. प्रेशर का साम अभी वहीं बैठा रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो भी हमें डंग मारना शुरू कर देगा. डंग उसके डंग से अभी हम बचे हुए हैं. देखिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी हीट आपको चाहिए यूनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर? गैसेस के अंदर. उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो ये वाला फेज यहाँ तक हम कन्वर्ट करके आ चुके हैं. अब आपका जो है, मतलब आपका जो सन की दिमाग है, मैं कहूँ कि वो अभी भी उसको आराम नहीं मिला. आप फिर भी वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया सारा का सारा वाटर, फिर भी उसे एनर्जी दे ही जा रहे हैं. तो वो मॉलिक्यूल्स बिखरने शुरू हो जाएंगे, उस रूम के अंदर दूर दूर जाने शुरू हो जाएंगे. फिर आप सोचते हैं कि इस स्टीम को मुझे वापस आइस में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट विल वी हैव टू डू? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो सारी कहानी आपने इधर दोहराई थी, आपको वही कहानी बैक दोहरानी पड़ेगी. मतलब आपको इधर बैक चलना पड़ेगा, सीधा भी जा सकते हैं, जिसे मैं बाद में छेड़ूंगी. तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, उसी गैस को अगर आपने उसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया, आप उसको कूल डाउन करते जाएं, इट मीन्स आप जो मॉलिक्यूल्स की स्पेस बढ़ा चुके थे, पार्टिकल्स को आप नज़दीक लाते जा रहे हैं, तो नज़दीक आएंगे तो उसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो जाएंगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. द कन्वर्जन ऑफ गैसेस फेज इनटू लिक्विड फेज इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन. फिर लिक्विड में आ गया, आपको फिर से चैन नहीं है कि मुझे तो फिर से इसको देखना है भी वापस जाता है या नहीं जाता. आप फिर से टेम्परेचर लोअर डाउन करते जा रहे हैं. जैसे ही अगेन आप 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, मींस फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा. फ्रीजिंग पॉइंट पे आते ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड के अंदर. तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो लिक्विड मीन्स आपके पास वाटर है, वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस के अंदर. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग. ये तो था कि आप जिस पाथ से आए थे उसी पाथ से आप वापस आ गए. यानी कि आपने क्या किया, पहले आपके पास पीस ऑफ आइस था, उसको हीट दी आप वाटर में ले गए, फिर उसको हीट दी आप स्टीम में ले गए, फिर आपने स्टीम को ठंडा किया आप वाटर ले आए, उस वाटर को ठंडा किया आप फिर से आइस में ले आए. अब कोई हो मेरे जैसा बड़ा उतावला कहे कि भी अब गैसेस स्टेट में तो पहुंच गए हैं, अब मुझे वाया लिक्विड नहीं जाना, आई डोंट लाइक लिक्विड, मुझे तो गैस से सीधा सॉलिड फेज में जाना है, तो बताओ भाई सॉल्यूशन क्या है? हम लोग कहते हैं कि साइंस के पास एवरी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है, साइंटिफिक मेथड से वी कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. तो बताओ भैया अब ये पॉसिबल है कि नहीं है? डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है. गैस से सॉलिड अगर आपको जाना है डायरेक्टली तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन. एनी गैस कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. हाँ, इसके लिए आपको मैं कहूँ कि प्रेशर को बीच में लाना पड़ेगा. जो मैं कह रही थी कि प्रेशर के सांप को आप थोड़ा साइड पे पड़ा रहने दीजिए, वो आपको पिक्चर में लाना पड़ेगा. टेम्परेचर डिक्रीज करते जाइए, प्रेशर बढ़ाते जाइए, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, कंप्रेस कर रहे हैं गैस को. गैस के पार्टिकल्स को कह रहे हैं कि एक दूसरे के पास जाओ. आई नो कि अभी जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोरोना COVID-19 से सारी दुनिया परेशान है और सब कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, दूर जाओ, और मैं पास लाने की बात कर रही हूँ. तो ये प्रोसेस है कि गैस से हमें सॉलिड में जाना है. अगर आप जाना चाहते हैं तो, नहीं जाना चाहते तो बैठे रहें दूर, सॉलिड जो नॉर्मल पाथ है उसको फॉलो करें. तो अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को प्रेशर अप्लाई करके एक दूसरे के नज़दीक लेके आते जा रहे हैं, उनको वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दम टुगेदर, बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर भी हम फटाफट से कम करते जा रहे हैं. मतलब आपने इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया कि आप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चले गए हैं. तो हर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे कोई भी गैस हो. कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड CO2 में, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं. उसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं. हाँ, गैसेस से लिक्विड जाने का प्रोसेस भी है. यानी कि यही जो कहानी हमने टेम्परेचर की दोहराई, ऐसी ही कहानी प्रेशर की भी है कि आपने अगर सॉलिड टू लिक्विड जाना है तो प्रेशर कम होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे. यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर रिवर्स चलेंगे इस साइकिल के दौरान, इस क्लॉकवाइज, इस ट्रायंगल के अंदर. इसको फेज ट्रायंगल बोलते हैं हम. लव ट्रायंगल तो मैं जस्ट आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बोल रही थी, दैट इज कॉल्ड फेज ट्रायंगल. इस फेज ट्रायंगल में अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरीके से, सॉलिड लिक्विड गैस, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, बट यू विल हैव टू रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कम करने से ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के से दूर दूर जाएंगे. और जब आपको बैक आना है, टेम्परेचर कम करना है, तब आपको प्रेशर बढ़ाना है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से, कंप्रेस करने से पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे. अब बात रही इस प्रोसेस की, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड की. गैस टू सॉलिड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. एंड
एनी गैस कैन बी कन्वर्टेड इन टू सॉलिड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, कि आपने उसको एकदम से फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आप ले गए हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड के अंदर। उसके बाद बात कीजिए कि सॉलिड टू गैस अगर आपने जाना है, सॉलिड टू गैस इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि आप उनको हीट दें, टेम्परेचर दें, तो वो लिक्विड दे डोंट लव लिक्विड फेज, वो लिक्विड फेज के में बिना जाए सीधा गैसेस फेज में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, कपूर की टिकी आप लोगों ने सुनी होगी। अब कपूर बोलते यादों के दिमाग में करीना कपूर और सोनम कपूर पता नहीं क्या क्या घूमने लग गया होगा, तो उन चीज़ों से बाहर आइए। कपूर की टिकी या कैम्फर, कैम्फर को अगर आप हीट करें तो वो इमीडिएटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी बजाय नैप्थलीन बॉल्स, अभी जैसे सर्दियों का टाइम निकल गया, गर्मियाँ आ गई हैं, तो जब हम लोग अपने सर्दियों के कपड़े कोट वगैरह सब कुछ संभाल के रखते हैं, वी कीप नैप्थलीन बॉल्स, ताकि भैया इसको कीड़ा ना काट जाए कोई, तो वो जो नैप्थलीन बॉल्स हैं अब जब अगली बार सर्दियों में उनको निकालेंगे वो गायब मिलेंगी, तो वो क्या हो गई हैं, इवेपोरेट हो गई हैं उस हीट से। तो ये जो है कि वो सॉलिड से सीधा गैसेस के अंदर चले गए हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, कि सॉलिड से सीधा गैसेस के अंदर ये चले जाते हैं कन्वर्ट। एग्जैक्टली सेम ड्राई आइस के साथ भी होता है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं, और जो ये ड्राई आइस है अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में चली जाएगी, इट विल नॉट कम इन टू लिक्विड स्टेट। ये जो इंटरकन्वर्जन थी टेम्परेचर और प्रेशर का आपस के अंदर में, ये कहूँ कि सारा खेल था, ये जो सारी की सारी कहानी है, ये सारी की सारी किसके आसपास घूम रही है, सिर्फ इसी फेस ट्रायंगल के आसपास। आप एग्जामिनेशन में सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इस ट्रायंगल को अपने ध्यान में रखें तो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं इसको, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को। बैक अगर आप आते हैं, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे मैंने लिखा कि हीट होती है इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस में भी आप हीट सप्लाई करेंगे, देंगे हीटिंग को, यानी कि आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इन दोनों प्रोसेस के अंदर, आप हीट दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, यू विल डिक्रीज प्रेशर इन दोनों प्रोसेस के अंदर। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा एक्सेप्शनल प्रोसेस है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड गैस से सॉलिड, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। आपको बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एकदम से प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड जाने के लिए। तो ये सोच सारा था, दैट वॉज ऑल अबाउट फेज ट्रांजिशन। इसके बाद हम अपना अगला लेक्चर लेके आएंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर मैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक्सपेरिमेंटल अगेन डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। ये अलग अलग फिनोमिनाज हैं, देखने में तो बड़ी ऐसे लगती है बात कि हम लोगों को सिमिलर टर्म्स है, बट देयर लाइज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो मैं छोटी छोटी फिर से कहूंगी, बड़ी ब्यूटीफुल सी डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। और रही बात इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर टेम्परेचर कन्वर्जन के भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कहूँ या क्वेश्चंस कहूँ एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तो टेम्परेचर स्केल्स की इंट्रोडक्शन भी हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। थैंक यू सो मच।